किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? यही तो है आश्चर्य जग का, इसी की देता है जग दुहाई, कि प्यासा पानी रहा उम्र भर, के आग को आग लग न पाई। पानी बिच मीन पिया से, आश्चर्य है, वाकई में आश्चर्य है। धरती तड़प रही है, पूरे धरती पर एक भार बनता जा रहा है। 7-8-10 कंपनियां ऐसी हैं जो पूरे धरती को शोष रही हैं, खा रही हैं, नोच रही हैं, लेकिन धरती है उसमें अभी हमको हलचल उस रूप में नहीं दिखाई दे रही जिस रूप में हम चाहते हैं। पानी बिच मीन प्यासी, खेतों में भूख उदासी, यह उलट बांसियां नहीं कबीरा, खालिश चाल सियासी। पानी बिच मीन प्यासी, ये हैं राजनीतिक चालें कि एक पूरी आने वाली पीढ़ी को ही सपनों में सुला दिया जा रहा है, पूरी एक धारा ही बदल दी जा रही है, उनकी चेतना की धारा ही बदल दी जा रही है। अफसोस तो इसी बात का है, पानी बिच मीन प्यासी। और इस समय तो एक तरफ जेपी है, एक तरफ बड़े बड़े बिल्डर्स सारे लोग, और कपड़ा बेचने वाले भी, उन्होंने भी अपनी इकाइयां बना दी हैं, सरयू में बना दी हैं। पानी जो है उनके लिए सोना है, और ये स्थितियां हैं। और दूसरी ओर उत्तराखंड में प्रवास और तेज हो रहा है, क्योंकि पानी का संकट बहुत व्याप्त है। टिहरी के ऊपर घुत्तू गांव में पानी नहीं है, जो पूरी दिल्ली को पानी दे रहा है उसके ऊपर का घुत्तू गांव वो प्यासा है। ऐसी स्थितियां हैं इस समय। ये हम इसलिए कहना चाहते हैं, ये पूरी स्थितियों को अगर हम पूरा विवेचन करते हैं तो हमको लगता है कि जो 10 साल का उत्तराखंड है उसमें हमने क्या पाया, कैसा पाया, कैसा हमने देखा, ये हम कहना चाहते हैं। और जैसा हमने कहा कि पंचायत चुनाव भी हो गए, लेकिन पंचायत राज एक्ट नहीं बना है अभी। 10 साल हो गए हैं उत्तराखंड राज्य को बने हुए, पंचायत राज एक्ट नहीं बना। अभी पिछले चुनाव में पंचायत में खजूर का पेड़, अनानास, ये दूसरे तीसरे नंबर के चुनाव चिन्ह थे। ये समझदारी कहीं नहीं है, ये समझ कहीं नहीं है, कोई नेता सोचने वाला नहीं है। सबको कोटा परमिट ये सब देना है। ये जो प्रभाव है ये इस समय उत्तराखंड के पूरे क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, जो नदियों का संकट है वो इतना जबरदस्त संकट है, वो चाहे स्थानीय कोई किटकनदार हो और देश का सबसे बड़ा पूंजीपति हो, चाहे वो जेपी हो, कोई भी हो, वो सब उसके शोषण में लगे। जो ये बेतहासा डैम, एक छोटे से उत्तराखंड के अंदर इतने सारे डैम बन रहे हैं, ये भी नदियों को सुखाने के लिए जिम्मेदार हैं। और उस पे एक लोकगीत, देव भूमि को नो बदली, बिजली भूमि कैरियाली जी, देव भूमि को नो बदली, बिजली भूमि कैरियाली जी, उत्तराखंड के धरती उन डामुन डामियाली जी, उत्तराखंड के धरती उन डामुन डामियाली जी, डामुन डामियाली जी, सुरंगुन खैण्याली जी, उत्तराखंड की धरती उन डामुन डामियाली जी, उत्तराखंड की धरती उन डामुन डामियाली जी। क्योंकि हम टिहरी बांध जैसी लड़ाई में रहे, जब तक वो जीवन के जीने की लड़ाई थी तब तक लोग जेल गए, लोगों की पिटाइयां हुई, लोग संघर्ष में रहे और कई कई बार लोग जेल गए। जैसे उसमें धार्मिक मामला आया, वो आंदोलन खत्म हुआ और लोग पूरी लड़ाई विस्थापन की लड़ाई में बदल गई। फलंडा की लड़ाई
के बाद जो धारदार, क्योंकि फलंडा में 120 लोग जेल गए और एक बार नहीं गए, 5 बार लोग गिरफ्तार हुए। 1 साल का बच्चा गया, 85 साल की वृद्धा गई और लगा वो लड़ाई इस मुकाम तक तो पहुंची। सरकार ने माना पहली बार कि जंगल पर पहला अधिकार लोगों का है, उसके बाद सरकार का है। पानी पर पहला अधिकार लोगों का है, जो पानी बचेगा उसका उपयोग कंपनी करेगी। लेकिन इन पूरी लड़ाइयों में जिस तरीके से बात अभी निकल के आई बिश जी ने कहा कि एक ठेकेदार वर्ग तो बहुत तेजी से, बहुत प्रभावशाली तरीके से तो खड़ा हुआ ही है। और राज्य बनने से पहले हम इस बहस को लगातार कर रहे थे कि राज्य बनेगा तो किसके हाथ में जाएगा और यहां के नेताओं का व्यवसाय क्या है, ये तो पता चले। ये बहस तब से चल रही है और बहुत साफ है, अगर ठेकेदारों के हाथ में राजा जाएगा तो ठेकेदार की परिभाषा ही है अधिक अधिक से अधिक बेमानी करके मुनाफा कमाना, और ठेकेदारी मानसिकता से राज्य हांका जाएगा उसकी दशा ऐसी होगी। नदी नयारी खाल धार हवा पानी बेचाली जी, नदी नयारी खाल धार हवा पानी बेचाली जी, जल जंगल जमीनों का पुस्तैनी हक छीनियाली जी, उत्तराखंड के धरतियों दामुन डामियाली जी, मन की गोर प्यासा छायक अब नदी भी प्यासी जी, मन की गोर प्यासा छायक अब नदी भी प्यासी जी, उजली नदी सभ्यता अंधेरी सुरंग मंग्वाड़ियाली जी, उजली नदी सभ्यता अंधेरी सुरंग मंग्वाड़ियाली जी, उत्तराखंड के धरतियों दामुन डामियाली जी। कि आप पट्टी स्तर पर कॉपरेटिव बनाइए सरकार से और उनके बेरोजगारों को बताइए कि कैसे प्रोजेक्ट लगते हैं और वो बिजली पैदा करें। और इसका ठोस उदाहरण टिहरी जिले के गेवाली गांव है, जो सड़क से 18 किलोमीटर दूर है, 18 किलोमीटर रोडहेड से। उस गांव ने अपना प्रोजेक्ट लगाया और वो अपनी बिजली विगत 7 साल से पैदा कर रहा है और वहाँ के नौजवान लड़के उसमें, उसके हाथ में कंट्रोल है और वो जब चाहे तब, और 5 लड़के उसमें रोजगार पा रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट हाल के दिनों में हमारे यहाँ 7-8 गाँव में लगे हैं, जहाँ गाँव की ग्राम पंचायतों ने अपने दम पर लगाया। हमें कह रहे हैं कि ठीक, उपयोग हो सकता है, नदियों का उपयोग कई तरीके से हो सकता है, हमारे पास इसके बहुत क्लियर चीजें भी हमने रखी है, लेकिन सरकार माने ना। और वो पानी हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है जो आज हमारे लिए अभिशाप बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से सुरंगें निकल रही है, जिस तरीके से पहाड़ टूट रहे हैं, और बार बार सरकार कहती है, सब लोग कहते हैं कि भूकंप का जोन है, ये खत्म हो जाएगा पूरा पहाड़, है ना। उसको हटके पहले गाँव के लोगों को पूछिए तो, सरकार गाँव के प्रधान को तो पूछिए, से गांव के पंचायत को पूछे से। आप, हम कह रहे हैं कि पूरी चीजों को आप सामाजिक नियंत्रण में दीजिए और देखिए समाज कैसा उपयोग करता है, बेहतर तरीके जानता समाज उपयोग कर। लेकिन ये कभी लोगों को न तो पूछा जा रहा है, और अगर प्रधान से भी सिग्नेचर ले जा रहे हैं तो दबाव से ले जा रहे हैं, डंडा के बल से ले जा रहे हैं, ड्रा के ले जा रहे हैं, कोई जनसुनवाई नहीं हो रही है, लोगों की कोई भागीदारी नहीं। एक मशीन आती है, पता चलता है कि हमारा ये क्षेत्र बिक गया है, और मशीन जब जाती है नदी में वो आपके घरों को, आपकी जमीन को रोक के जाती है, क्योंकि सड़क तो ऐसी बनी है ना, और उसे रोकने में कितना कुछ जाता है ये सब लोग जानते हैं। तो सरकार अगर पूछे तो बहुत अच्छा अल्टरनेटिव भी लोगों के पास है, जो लोग लड़ रहे हैं वो अल्टरनेटिव के साथ भी लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो उसको हम सोच रहे हैं कि उत्तराखंड में हम कुछ करें, शुरुआती बातचीत हुई है, और अगर ऐसी एक योजना बनती है तो ये सक्सेस स्टोरी जाएगी। तो बिजली काफ़ी सभी जगह, तो पहाड़ में जिन नदियों में जितना वेग है, जितनी ऊर्जा है, उससे बिजली बनाई जा सकती है, और गांव वाले अपना इस्तेमाल करके फिर उसे ग्रिड में दे सकते हैं, और फिर जो आज जो ये बिजली जो सोचते हैं उससे कई गुना बिजली उससे बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस व्यापारी को प्यास बहुत है, एक तरफ बर्बाद बस्तियां एक तरफ हो तू, एक तरफ बर्बाद बस्तियां एक तरफ हो तुम, एक तरफ डूबती कश्तियां एक तरफ हो तुम, एक तरफ है सूखी नदियां एक तरफ हो तुम, और एक तरफ है प्यासी दुनिया एक तरफ हो तुम।
एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम, अजी वाह क्या बात तुम्हारी, तुम तो पानी के व्यापारी। बोल व्यापारी तब क्या होगा, दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा, आज भले ही मौज उड़ा लो, नदियों को प्यासा तड़पा लो, गंगा को कीचड़ कर डालो, लेकिन डोलेगी जब धरती, बोल व्यापारी तब क्या होगा, वर्ल्ड बैंक के टोकन धारी तब क्या होगा। टोकन धारी।